हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर सुकमा ब्लॉग में। गाइस कि हमारे बस्तर में दान मिंडाई कैसे करते हैं, किस तरह से पशुओं से मतलब दान मिंडाई किया जाता है, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गाइस कि करीबन 1-2 बजे रात के इलाके मतलब दान मिंडाई करते हैं, सुबह 8-1 बजे तक, और किस तरह से दान मिंडाई करते हैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ऐसा दान को गाय को घुमाना है, कंटिन्यू घुमाते ही रहना है गाइस। ये देखिए, यहाँ गांव में तो ऐसी दान मिंडाई होता है, तो अब ज़्यादा दान रहने वाले मशीन वगैरह बुलाते हैं। अभी मशीन का ज़माना आ गया है, लेकिन उसका ही उपयोग करके दान मिंडाई करते हैं। और आप लोगों को आगे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसा टाइप का पिच्ची वगैरह पूरा फेंकते हैं और दान उड़ाते हैं, ये पूरा दिखाना चाहता हूँ। और ये देख लीजिए, ये घुमाते रहना, कंटिन्यू गाय घुमाते रहना है गाइस, और जब तक पिच्ची ना हो जाए और दान निकल ना जाए तब तक कंटिन्यू घुमाते रहना है, और जब पिच्ची हो जाता है तब दान निकलता है, और तब पिच्ची फेंकना है, और इसको उल्टा पलटा पूरा करते रहना है। उसके बाद पिच्ची फेंकना है, जब पूरा दान निकल जाने के बाद पिच्ची पूरा फेंकना है गैस, और चारों तरफ मतलब इसको कंटिन्यू घुमाते ही रहना है पशुओं को, तब क्या है रुकने नहीं देना है, और तब तक दान वहाँ निकल ना जाए तब तक कंटिन्यू घुमाते रहना है गैस। और ये देखिए, ऐसा फेंकना है पिच्ची, और आप लोग देख सकते हैं गैस, जब तक दान ना निकले तब तक घुमाते रहना है गैस। और ये देख लीजिए कि राउंड मारते ही रहना है, मतलब भगाते रहना है, और पिच्ची जमा करते हैं मेरे मामा जी, और मैं गाय घुमा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ऐसा पिच्ची फेंकना है पूरा, और दान निकल गया है गैस, और पशुओं को अभी छोड़ने का समय आ गया। ये देख लीजिए, पशुओं को छोड़ दिया जा रहा है, और आप लोग देख सकते हैं, और इन लोग 2 बजे से रात से घूम रहे हैं, और अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, और पूरा दान कंप्लीट हो गया है। तो और आगे देखिए गैस कि पूरा मतलब पिच्ची जमा करके फेंकना है, और पशुओं को छोड़ के, और हम लोग अभी पिच्ची जमा करके और पूरा ऊपर का भूसा फेंकने वाले हैं गैस। देखिए, पूरा भूसा फेंक दिए हैं, और आप लोग देख लीजिए गैस, पूरा ख़त्म हो गया है, और ये देख लीजिए नीचे का भूसा को ऊपर मतलब जमा करके फेंकना है। ये देख लीजिए, ऐसे करते हैं, और ये पूरा दान है, और आगे देखिए गैस, अभी दान को जमा करके और ऐसे साफ करना है गैस। देख लीजिए, आराम से आप लोग देख सकते हैं किस तरह मतलब दान को साफ करना है, और सूपा से ऊपर हिलाना है मस्त, और ऐसे हिलाना है दान, और ऊपर का भूसा को साफ करना है। ये कंटिन्यू जब तक दान खत्म ना हो जाए तब तक ऐसे मतलब करते रहना है गैस। और आप देख लीजिए, ऐसे वहाँ जमा किया वाला को और सूपा से या लाइन से डालना है, आप देख सकते हैं, और हवा नहीं आ रहा है। अभी इधर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख लीजिए, ऐसे सूपा को हिलाना है, और ऐसे मतलब पूरा दान ख़त्म होता है ऐसे करना है, और ये देख लीजिए कि मतलब ऊपर का भूसा को ऐसे उड़ाना है, और ये देख के कंटिन्यू जब तक दान ख़त्म ना हो जाए तब तक ऐसे करते रहना है गैस। और आप देख सकते हैं, ये सेकंड बार साफ कर रहे हैं दान को, और आप लोग देख लीजिए मतलब पूरा ये सेकंड बार में पूरा साफ हो जाता है भूसा वगैरह जो भी हो, ये देख लीजिए, और उसमें बीच में डालना है इसको, ऐसे पूरा साफ हो जाता है। और फर्स्ट बार थोड़ा सा कचरा था, अभी पूरा साफ हो गया है,
हाँ ये देख लीजिए, ये मेरी नानी है गैस आज झाड़ू लगाते हुए, और ये मेरा चाचू है, और ये देख लीजिए ये पूरा साफ हो गया एकदम, आप देख सकते हैं गैस। ये जमा करके अब बोरे में डाल दिए हैं गैस, क्योंकि मतलब पूरा ये आधा जमा करके बोरा में देख लीजिए, मेरे चाचू बांध लीजिए बोरा में अभी घर ले जाएंगे, और अभी हम लोग बो के ले जाने वाले हैं, देख लीजिए गैस। अभी धान को पैकिंग वगैरह कर लिए बोरा में गैस, अभी घर जा रहे हैं बो पा के ले जाना है। तो यही हम हमारा आदिवासी लोग वैसे ही धान मिंडाई करते हैं, तो आप लोग किस तरह धान मिंडाई करते हो कमेंट में ज़रूर लिखे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।